नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में सरपंच पति की हत्या नहीं बल्कि हादसे का शिकार हुआ था। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल हादसे को हत्या का स्पॉट बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह इस पर कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल जनेह थाना के पकौड़ा गांव निवासी सरपंच पति जितेंद्र सिंह 28 जुलाई की रात अपने फार्म हाउस में सो रहे थे। वहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। घर वालों ने 4 लोगों द्वारा उनको जिंदा जलाकर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर संदेहियों से लगातार पूछताछ भी कर रही थी। पुलिस जांच में इस पूरे मामले की सत्यता सामने आ गई है। सरपंच पति की हत्या नहीं हुई थी बल्कि हादसे का शिकार होकर आग में झुलस गए थे और बाद में घटना को हत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। घटना दिनांक को कमरे के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग लगने की वजह से बिजली के तार और प्लास्टिक के कूलर जलने से जहरीला धुआं उनके शरीर के अंदर चला गया और वह बेहोश हो गए। बाद में उनके शरीर का आंशिक भाग भी जल गया और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही कुछ लोगों ने इसे हत्या का रूप देने का प्रयास किया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मृतक के शरीर में केरोसिन के कण नहीं मिले बल्कि तार और कूलर जलने से जहरीले धुएं के कण मिले। इस घटना के बाद जिन लोगों द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। घटनास्थल का ही सत्यता वैज्ञानिक परीक्षण से सामने आ गई है। बाहर खड़े वाहनों में केरोसिन डाला गया था और समीप ही खाली डिब्बा फेंका गया था जिसका ढक्कन तेजी से बंद था। जिस स्थान से आरोपी के भागने की जानकारी दी जा रही थी उस खिड़की से निकल पाना संभव ही नहीं था। इसके अतिरिक्त खेत में पैरों के निशान नहीं मिले थे, जबकि जिस स्थान पर केरोसिन का डिब्बा फेंका गया था वहां पर चप्पल के निशान मिले। इसके साथ ही मृतक का शरीर आग की लपटों से झुलस गया था, लेकिन उसके शरीर में कपड़े पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस घटना की जांच कर रही पुलिस ने जब पोल्ट्री फार्म के पार्टनर दीपक सिंह को पूछताछ के लिए थाने ले गई और मोबाइल को चेक किया तो उसके मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिली। इस रिकॉर्डिंग में घटना के बाद चारों को फंसाने की चर्चा की गई थी, साथ ही हादसे को हत्या का रूप देने की बनाई गई योजना का भी जिक्र था। रिकॉर्डिंग के मुताबिक किसी को भी घटनास्थल से भागते नहीं देखा गया था, बल्कि यह सब घटना के बाद प्लान तैयार किया गया था। पुलिस ने जब चारों संदेहियों की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक का लोकेशन घटना की रात पहले चाकघाट पर मिली, जबकि दूसरे संदेही की लोकेशन घटना की रात नैनी में मिली। वहीं दीपक ने मोबाइल पकौड़ा हाउस के नाम से ग्रुप मिला जिसमें उसने सुबह 6:14 पर एक फोटो डाली थी और करंट लगने से मौत की जानकारी दी। इसके अलावा दीपक सिंह के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग से कई राज खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने खोलकर रख दिया है। सरपंच पति के इस मामले के खुलासे के लिए एसपी नमरीत भसीन द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसपी मोगिन विवेक लाल, एसडीओपी तौथर समरजीत सिंह परिहार, एसडीओपी डवारा विनोद सिंह, एफएसएल टीम प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला, फिंगरप्रिंट की टीम, साइबर सेल प्रभारी वीरेन पटेल, सुहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी, चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, जने थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी सहित उनके स्टाफ को शामिल किया गया था, जिनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बाद यह बनाई गई हत्या हादसे में तब्दील हो गई है।